अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मैं फरा आपके साथ फरा देसी पेटे सीरीज़ में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको झटपट सी चिकन बर्गर पैटीज़ बनाना सिखा रही हूँ, ताकि मेरा सेटअप भी आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा। तो इसको झटपट सी आपने बनाना है और फिर आपने इसको बना के फ्रीज़र में रख देना है, ताकि जब आप बर्गर बनाएं तो आप इसको बना सकें। चलिए, इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए प्याज। मैंने 3 अदद प्याज ले ली हैं और इनको ऐसे ऐसे करके काट लिया है। मैं ये डालूँगी और इसके बाद इसको चॉप करूँगी चॉपर में। अच्छा, नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी सारे वीडियोस में एक साथ सब कुछ डाल के चॉप कर लेते हैं, बट फरा का स्टाइल कुछ डिफरेंट है। तो मैं प्याज, हरी मिर्चें एक साथ डालूँगी और उसको चॉप करूँगी, क्योंकि हम जब चिकन के साथ प्याज डालते हैं तो प्याज के टुकड़े आ जाते हैं अच्छे खासे, तो वो हमने नहीं डालनी है। और हरी मिर्चों का मैं बताती चलूँ आपको, हरी मिर्चें मैंने ली हैं 6 से 7 अदद। अब मैं इसको चॉप करती हूँ। शोर के लिए तैयार हो जाइए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस हासिल हो सकें। सॉरी, बटन ऑन करना है। जी जनाब, हमारी प्याज जो हो गई है वो चॉप हो चुकी है। इसको मैं अलहदा एक बोल में रखती हूँ और उसके बाद हम चिकन को और बाकी मसालों को साथ में ग्राइंड करेंगे। जी जनाब, प्याज और हरी मिर्च को मैंने चॉप करके एक अलहदा करके रख दिया है, और अब मैंने चॉपर में बिना धोए ब्रेड के स्लाइसेस 4 से 5 अदद मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। आप फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस भी ले सकते हैं, आप ड्राई ब्रेड स्लाइसेस भी ले सकते हैं, इनको सुखा लीजिए, या फिर आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं बाज़ार से ला के। मैंने फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस को सुखा लिए हैं और उनके टुकड़े करके मैं अब इसको चॉप कर रही हूँ। अलहदा चॉप करूँगी क्योंकि सब चीज़ें एक साथ नहीं होती चॉप। ब्रेड में हमारी चॉप हो गई है, हम इसको भी हम अलहदा करके जिसमें हमने प्याज डाली थी उसी बोल में डाल देंगे। अब हम इसी चॉपर में अपनी चिकन लेंगे। चिकन हमने ली है 500 ग्राम, इसके छोटे छोटे क्यूब्स करके आप डाल दीजिए और इसको चॉप करेंगे हम, और साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे जो हमने इसके लिए लेने हैं। इसमें जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया, हम इसी में डाल देते हैं। इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून, साथ ही चिकन पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून लूंगी मैं, ये मेरा टीस्पून है तो मैं इसको ज़्यादा डालूंगी। जी, सफ़ेद मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, गार्लिक पाउडर इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा, नमक जाएगा इसमें हसबे ज़रूरत, साथ ही हम इसमें मिक्स हर्ब्स डालेंगे, ये जाएगा तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। अब हम इसको चॉप करेंगे। जी, अगर आपको लगे कि चिकन थोड़ा सा ड्राई हो रहा है और पिसने में प्रॉब्लम है तो इसमें 1 टेबल स्पून के करीब आप सोया सॉस शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल लिक्विड ही नहीं चाहिए, पेस्ट फॉर्म में नहीं चाहिए चिकन। चिकन हमारा चॉप हो गया है, अब हम इसको उसी बोल में शामिल करते हैं और फिर हम सबको मिक्स करके पैटियाँ बनाते हैं। जी जनाब, हमने इस बोल के अंदर चिकन का कीमा, चिकन को बना लिया है, और फिर वही ब्रेड क्रम्स देख लें, और नीचे सबसे हमारी प्याज है। अब हम इसको सब हाथों की मदद से मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें किसी भी किस्म का अंडा शामिल नहीं होगा, हम अंडे के बगैर ये पैटी बनाएंगे। या आप बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप निकालें, इसको हल्का सा डिफ्रॉस्ट करें, बहुत ज़्यादा डिफ्रॉस्ट नहीं करना है आपको, और उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। शैलो फ्राई कर सकते हैं आप, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और इस मज़े के बर्गर्स बना के इसको इंजॉय कीजिएगा। अब फिर मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बर्गर्स भी बनाना सिखाऊंगी, कैसे बर्गर्स असेंबल करते हैं पूरे डिफरेंट डिफरेंट तरह से।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जी जनाब, हमारे बर्गर पैटीज़ रेडी हो चुके हैं। इसमें से ये इस तमाम अज्जा में से, तमाम क्वांटिटी में से हमारे 12 बर्गर पैटीज़ बने हैं। साइज़ आपने इसका इतना रखना है, देख लीजिए आप। आप मज़ीद पतला भी कर सकते हैं, लेकिन बर्गर के लिए बना रहे हैं तो आपको इतना ही साइज़ रखना है। और इंशाल्लाह बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फरहा देसी पेटिसरीज़ को। अल्लाह हाफ़िज़।